आईपीएल 2023 में कई रोमांचक मैच देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कई अन्य मामलों को लेकर भी सुर्खियां बन रही है। सबसे चौंकाने वाला मामला दिल्ली कैपिटल्स के साथ हुआ, जिसने अपने पहले 5 मैच गवा दिए थे और छठे मैच में जाकर जीत का स्वाद चखा है। दिल्ली की टीम के कई बल्लेबाजों के बल्ले उनकी किट बैग से चोरी हो गए थे। गनीमत ये है कि अब ये वापस मिल गए हैं। ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या एक्शन हुआ, इस वीडियो में विस्तार से जान लेते हैं। डेविड वार्नर की अगुवाई वाली दिल्ली कैपिटल्स अभी आईपीएल की पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे चल रही है। टीम ने अभी तक 6 मैच खेले हैं और इनमें सिर्फ एक में जीत मिली है, वो भी सबसे आखिर में जाकर यह जीत नसीब हुई है। हार जीत से अलग दिल्ली के खिलाड़ियों पर एक मुसीबत सामान से जुड़ी भी आई। दरअसल 16 अप्रैल को जब दिल्ली की टीम राजधानी में पहुंची और खिलाड़ी अपने होटल में गए, तब उनके किट बैग से काफी सामान चोरी हो गया था। इनमें 16 बल्ले, कुछ पैड, जूते और थाई पैड जैसी चीजें थी। दिल्ली कैपिटल्स की टीम उस वक्त बेंगलुरु से रवाना हुई थी और दिल्ली पहुंची थी। इसके बाद दिल्ली टीम के मैनेजमेंट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब 5 दिन बाद यानी 21 अप्रैल को पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। चोरी हुआ कुछ सामान वापस भी मिल गया है। यहां आपको बताते चले कि आईपीएल में जब खिलाड़ी किसी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रैवल करते हैं, तब वह अपना अधिकतर सामान होटल रूम में ही छोड़ कर आते हैं। यहां से लॉजिस्टिक से जुड़ी टीमें उनका सामान अगले शहर में पहुंचाती हैं, जहां अगला मैच होना होता है। हर टीम इस प्रक्रिया के लिए अपनी अलग कंपनी हायर करती है। इस मामले में भी ऐसा हुआ था। कमाल की बात ये भी थी कि जिन खिलाड़ियों का सामान चोरी हुआ, उनके पास बैट ही नहीं थे और उधार के बैट से उन्होंने प्रैक्टिस की, जबकि कुछ खिलाड़ियों ने अपने एजेंट से अगले मैच से पहले ही बल्लों की नई खेप मंगाने की बात कह दी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को त्वरित तौर पर सुलझाया और एक हफ्ते के भीतर ही अधिकतर सामान वापस मिल गया। लेकिन आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में टीम के खिलाड़ियों का सामान चोरी हो जाना एक बड़ा मामला है और ऐसा पहली बार ही हुआ है। आईपीएल 2023 से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप आज तक एआई के साथ बने रहिए।